हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। माई सेल्फ खुशबू सिंह, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस खूबसूरत सी ब्राइडल सिल्क साड़ी को ड्रेप करने का तरीका। तो जो कोई भी बिगनर है उनके लिए भी मैंने बहुत ही आसान सा तरीका खोज निकाला है साड़ी ड्रेपिंग की। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो आज की इस ब्राइडल साड़ी को मैं ड्रेप करने वाली हूँ एक शेपियर वाली पेटीकोट के ऊपर। जिन किसी को भी लगता है कि शेपियर वाली पेटीकोट अनकंफर्टेबल होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रेची होती है और आपके लिए कंफर्टेबल होती है। तो आप ज़्यादा पेटीकोट ना खरीदें, केवल सिंगल पेटीकोट को ही ट्राई करके देखें। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप ले सकती हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर साड़ी पहले दिखा देती हूँ। साड़ी की जो लेंथ है वो 5.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी जो फैब्रिक है उसका नाम है बनारसी सिल्क साड़ी। देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी डिटेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब हम कई लोगों की ना साड़ी को टक करने की गलती बता देते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, कई लोग इसको एक बराबर में ही टक करना शुरू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी साड़ी काफ़ी मोटी गाढ़ी है तो आप पहले तो कॉर्नर के तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा इसको अंदर की तरफ टक कीजिए, और फिर इसकी राउंड को लगाना आप शुरू कीजिए। राउंड जब आप लगा रही होती हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक को टाइट खींच लीजिए, ताकि एक परफेक्ट फिटिंग वाली आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट हो। और अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा भी टाइट आपका हो जा रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए। जब हम सेंटर प्लीट बनाएंगे ना, तो उस वक्त आपकी ये जो फिटिंग होगी वो आपकी कम्फर्टेबल हो जाएगी। तो एक बार मैंने इसको फ्रंट पे टक किया था राइट की साइड पे, और दूसरी बार भी मैं उसको वहीं पे टक कर रही हूँ। और उसके बाद जहाँ कहीं भी फैब्रिक बच जाती है हम इसको बाद में टक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको टक करते हुए इसकी एक राउंड कंप्लीट करेंगे ना, तो हमारी फैब्रिक यहाँ पे तो ज़्यादा यूज़ होती ही है, साथ ही साथ जो फैब्रिक होती है वो ढीली पड़ जाती है। और उसके बाद जब हम कमर के पास कपड़ा टाइट कर रहे होते हैं तो नीचे की साइड से वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो इसीलिए हम अपनी बेसिक राउंड को थोड़ा टाइट कर देते हैं। चलिए अब हम कपड़े को ले आएंगे पीछे की साइड से घुमाकर सामने की तरफ, और ये है हमारा फैब्रिक वाला, सॉरी पल्लू वाला फैब्रिक। पल्लू की फैब्रिक में प्लीट्स बनाने के लिए देखिए, मैंने ऊपर वाले बॉर्डर को ना अपनी ठीक बेली बटन के पास इसके बॉर्डर पे दो कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगा दूंगी। इन क्लिप की डिस्टेंस कितनी रखनी है ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपको जितनी चौड़ी प्लीट चाहिए आप उतनी ही रखें। मैं यहाँ पे बॉर्डर को देखते हुए इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर रही हूँ। और अगर आपका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा आप हेल्दी हो, फिर भी आपको पतली प्लीट लेना पसंद है पल्लू पे, तो भी आप इसको कर सकती हैं। यहाँ पे बस पिन कैसे लगाना है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। चलिए प्लीट्स हमारी यहाँ पे बन गई है। अब देखिए हम सभी प्लीट को किस तरीके से निकालेंगे। लास्ट वाला जो हमारा बॉर्डर है ना, उसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, ताकि जो बॉर्डर है केवल वो लाइन ही दिखे। तो इसीलिए मैंने लास्ट की सेकेंड प्लीट को और फर्स्ट प्लीट को थोड़ा सा एक जैसा ही रखा है। अब इसके कॉर्नर को हम साइड से निकाल देंगे और अपनी क्लिप को लगाते चलेंगे। जहाँ कहीं पे भी आपको मेरी बात समझने में कंफ्यूजन हो रही है, आप केवल वीडियो क्लिप पे ध्यान दीजिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ पे अब जिन किसी को भी लग रहा होगा कि ये फैब्रिक हो सकती है कि पुरानी वाली जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था उस वाले कपड़े से ज़्यादा मैच करती है, तो ये वैसी साड़ी नहीं है, ये सैटन बनारसी सिल्क नहीं है, ये प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी है। तो इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस पे इसकी प्लीट को अरेंज करते हुए चलेंगे, और बीच बीच में हम कपड़े सुखाने वाली क्लिप को लगाते चलेंगे। देखिए अगर आपके पास कोई हेल्पिंग टूल होता है ना, तो इससे आपके लिए साड़ी पहनना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अब आपको जितना लेंथ पसंद है पल्लू में रखना, आप उतनी दूर तक की लेंथ को प्लीट्स में अरेंज कर सकती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं, मैंने काफ़ी लंबा लेंथ लिया है, क्योंकि ये साड़ी हमारी सिल्क की है, तो अगर हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग अपनी पल्लू की लेंथ रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो पल्लू की लेंथ मैं काफ़ी लॉन्ग रख रही हूँ, आप देख ही सकते हो। और अब बारी आती है कि इस पतली प्लीट वाली पल्लू को हम अपने कंधे पे कहाँ पे पिन लगाएं।
देखिए कई लोग क्या करते हैं ना कि अपनी ब्लाउज की नेक लाइन को देखते हैं और नेक लाइन के पास जाकर पिन लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लीट आपकी कितनी भी पतली क्यों ना हो, आपको केवल उस जगह पे लगाना है जहाँ से आपका कंधा यानी बाजू की एंडिंग हो रही हो, ठीक है। बाजू को वो कवर करना चाहिए। अगर आपका बाजू अच्छे से नहीं ढकेगा आपकी प्लीट की चौड़ाई से, तो फिर आपका जो लेफ्ट साइड का बर्स्ट होगा वो कभी भी हाइड नहीं होगा और फिर फ्रंट से आपका लुक साड़ी में बहुत बेकार लगेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है और आई होप कि अब आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिए मेरी जो ब्लाउज़ की नेक लाइन है ना वो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे भी पिन लगा सकती थी लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि मेरी प्लीट की चौड़ाई इतनी नहीं है कि अगर मैं वहाँ पिन लगाऊं तो वो मेरे कंधे को कवर कर पाए। तो आई होप अब आप सब मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब हम जहाँ पे हमने पिन लगाया था ना उससे हल्का सा नीचे की तरफ भी हम एक सेफ्टी पिन ठीक उसी जगह पे लगाएंगे ताकि हमारा जो बॉर्डर रहेगी नेक के पास वाली वो बार बार हमारे नेक को ज़्यादा टच ना करे। अब हम फैब्रिक को घुमा लेंगे और देखिए कई लोग करते क्या है ना कि पीछे की साइड से अपनी ब्लाउज़ को बिल्कुल ही कवर कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि पीछे से देखने पे ना कि उन्होंने ब्लाउज़ पहना हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए आप वैसा मत कीजिए, हाइट इससे आपकी काफ़ी गंदी लगेगी, हाइट थोड़ी सी दब जाती है। तो इसीलिए ब्लाउज़ की जो नीचे वाली लाइन है ना केवल आप लोअर लेंथ तक ही ब्लाउज़ तक रखिए अपनी बॉर्डर और उसको घुमा कर आप कमर तक ले आइए। घुमाने के टाइम जो साइड पे आपकी प्लीट्स बनती है अगर आप उसको पहले ही सेट कर लेंगी ना तो कमर के पास प्लीट्स बनाने में कोई इशू नहीं होगी। अब हम अपनी बॉर्डर को नेवल से क्रॉस करते हुए राइट लेग तक ले जाएंगे और आगे की फैब्रिक को उठाते हुए हम अपनी लेफ्ट हैंड से छोटी छोटी प्लीट को इस तरीके से पकड़ते चलेंगे। अब यहाँ पे जो आप प्लीट उठा रहे हो वो आपकी गिनती में सिर्फ 3 ही होनी चाहिए। अगर आप 3 से ज़्यादा रखते हो तो लेंथ आपकी नीचे से कम हो जाएगी। अब प्लीट आपने जितनी पहले पकड़ी है पहले उसको तो आप सेट कर लीजिए और उसके बाद ही पिन लगाइए। कई लोगों की यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि उनकी यहाँ पे लगाने वाली पिन जो है वो लूज़ हो जाती है। तो देखिए लूज़ इसलिए होती क्योंकि आप पिन सही तरीके से नहीं लगाते। यहाँ पे फैब्रिक पकड़ने के साथ साथ पिन लगाने का ट्रिक भी जानना बहुत ज़रूरी है। पिन को हमेशा आप नीचे से ऊपर तक लगाइए तभी आपकी फैब्रिक टाइट और अपनी जगह पे सही तरीके से बैठी रहेंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पिन सेट कर लिया है और अब केवल बच गई है हमारी सेंटर वाली प्लीट। सेंटर प्लीट बनाने के लिए हम अपनी राइट से नेवल तक फैब्रिक को इस तरीके से मेज़र करेंगे। अब हम अपनी आगे की लेंथ वाली फैब्रिक को राइट की तरफ घुमा देंगे और फिर थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई पर इसको हम पकड़ते चलेंगे। अब बार बार हम फैब्रिक को राइट की तरफ मूव करेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए हम नेवल तक पहुँचते जाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे हम तब तक जब तक पूरी फैब्रिक हमारी प्लीट में अरेंज ना हो जाए। अब देखिए हम जब पिन वाली फैब्रिक के पास पहुँचेंगे ना तो हम ज़्यादा फैब्रिक नहीं खींचेंगे वरना फिर पिन के पास ज़्यादा खिंचाव पड़ जाएगी और फिर फैब्रिक हमारी डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। जब हम इसको घुमाएंगे तब भले हम जितनी फैब्रिक बच रही है अगर उससे प्लीट बन सकती है तो बना देंगे। अब सभी प्लीट को हम अपनी नेवल के पास रखेंगे और एक एक बीच में हल्का सा डिस्टेंस देते चलेंगे। अब हमारी राइट की जो फर्स्ट प्लीट है उसको हम ज़्यादा चौड़ा कर देंगे क्योंकि एक तो राइट की फर्स्ट प्लीट को हमें राइट की साइड से शेप देना रहता है प्लस इनको हर प्लीट की तरह लेफ्ट की तरफ घूमना भी होता है इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा लेंथ यूज़ करते हैं। अब देखिए प्लीट तो हमारी अच्छी तरीके से यहाँ पे बन गई है। अब हम लेफ्ट की फर्स्ट प्लीट को अपनी ठीक नेवल के पास रखेंगे और उस हिसाब से हर एक प्लीट के बीच में गैप डालते हुए सभी को एक साथ पकड़ लेंगे। प्लीट की
कपड़े को केवल सामने ही पकड़ना जरूरी नहीं है, इसके लिए हमें पीछे के जो प्लीट की फैब्रिक होती है उनको भी बराबर करना उतना ही जरूरी है, वरना प्लीट्स जो रहेंगी वो फैली हुई दिखेंगी और कभी भी वो आपसे सेट नहीं हो पाएगी। अब जब हमने आगे पीछे की फैब्रिक देख ही ली है तो अब हम इसको अंत में टक भी कर देते हैं। टक करते वक्त ध्यान देना है कि जो फैब्रिक अंदर की तरफ जा रही है वो बिल्कुल भी नहीं सिकुड़नी चाहिए, वरना फिर पेट के पास आपका फुला फुला सा दिखेगा। चलिए यहाँ पे तो हमारी प्लीट्स बन गई है, लेकिन नीचे वाली लेंथ का क्या? ये तो अभी भी परफेक्टली सेट नहीं हुई है। तो जैसे कि मैं अपनी हर ट्यूटोरियल में करती हूँ, अगर आप अकेले साड़ी पहन रहे हो, कोई है नहीं साथ में पहनाने वाले, तो आप क्या कीजिए कि थोड़ी थोड़ी सी लेंथ तक फैब्रिक को उठाइए और इसको ऊंचा उठाइए। खुद झुकने से ज़्यादा अच्छा है कि आप प्लीट को ही ऊपर उठाकर इसको बॉर्डर तक सेट कर दें। चलिए तो मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप लूँगी और हर एक प्लीट को उनकी जगह पे बैठाते चलूँगी। जब आप बॉर्डर तक पहुँच जाते हो तो पहले कोशिश कीजिए कि हर एक बॉर्डर की जो प्लीट्स हैं उनको आप बाहर निकाल दीजिए और फिर सभी को अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाकर ज़ोर से हाथों से प्रेस कर दीजिए। देखिए कई बार यही गड़बड़ी हो जाती है कि कुछ प्लीट्स ना अंदर की तरफ दबी रह जाती है, जिनको कि हम अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सभी को साथ में पकड़ना है और फिर लेफ्ट की तरफ मोड़ते हुए हाथों से प्रेस करना है। अब जब आप इसको नीचे उतारोगे तो बिल्कुल जैसे जैसे आपने स्टेप लिया था उसी छोटे छोटे स्टेप में आप इसको नीचे की तरफ सरका दीजिए। अब देखिए कितनी अच्छी से बिल्कुल एक लाइन में खड़ी हुई प्लीट्स हमारी बन गई। अब देखिए क्योंकि ये हमारा एक ब्राइडल साड़ी है तो एक ब्राइड को हर तरीके की सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए और साड़ी में उनको एम्बैरेसिंग मोमेंट का सामना ना करना पड़े उसके लिए उनको सेंटर प्लीट को भी अच्छी तरीके से सेट कर देना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आप चाहो तो एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी सेफ्टी पिन आप अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी फैब्रिक को ख़राब कर सकती है, तो इसीलिए आप एक साड़ी स्टिकर आती है जिसको कि ब्रूच स्टिकर भी बोलते हैं, तो आप उसको पहले लगाकर और फिर पीछे की साइड से आप पिन लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी साड़ी सिक्योर भी हो जाएगी और फिर आपकी साड़ी डैमेज होने का चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ऐसी साड़ियाँ अगर आपसे पहनने के बाद भी नहीं संभल रही हैं तो आप कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे भी अभी अभी मैंने ये बेल्ट ख़रीदा है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो इसकी फुल डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए मैं यहाँ पे चेन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि चेन की कंपैरिजन में जो बेल्ट होता है वो आपकी साड़ी को 50% तक होल्ड करके रखता है, तो इसीलिए आपका जो भी साड़ी को होल्ड करने का जो भी टेंशन होता है वो आपका बेल्ट कवर कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट लगाने में ही मैंने अपनी जो पल्लू थी उसको भी मैंने बेल्ट के अंदर ही इन कर दिया है, ताकि अगर मान लीजिए ये जो क्लिप्स हैं अगर वो हटे भी और अगर प्लीट्स फूलने का चांसेस भी रहे तो भी बेल्ट के साथ वो कवर रहेगा। तो अब हमारी ड्रिपिंग हो चुकी है कंप्लीट, तो यहाँ पे जितने भी अननेसेसरी क्लिप्स हैं मैं उसको अब रिमूव कर दूंगी और अब देखिए इसका फुल फाइनल लुक। तो अगर आप भी इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगी अच्छे तरीके से और देखेंगी कि आपको कहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, तो आई एम श्योर कि आपका भी फाइनल लुक कुछ इसी तरीके का होने वाला है। सो आई होप जो भी बिगनर्स हैं, खैर बिगनर्स का तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही ख्याल रखा है, तो जो भी बिगनर्स हैं उनको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक दे सकती हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू आई हैं ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकती हैं। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।